डॉक्टर को बनाया ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, बैंक खाते से 50,000 पार। पीड़ित पशु चिकित्सक रतन प्रकाश मिश्रा ने बताया कि बुधवार दोपहर को उनके पास बैंक से राहुल शुक्ला नाम से फ़ोन कॉल आया, जिसमें उसने कहा कि आपका एटीएम बंद हो गया है, इसलिए अपना एटीएम का पिन नंबर बताओ और मुझसे बैंक में आकर मिलो। जिसके बाद वो बैंक पहुंच गए, जहां बैंक अधिकारियों ने बताया कि राहुल शुक्ला नाम का कोई भी कर्मचारी नहीं है। इस बीच उनके मोबाइल पर 50,000 रुपये के ट्रांजेक्शन का मैसेज आ गया, जिसे देख कर उनके होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका पैसा निकाल लिया गया बैंक से जालसाजों ने, क्या है पुराना उनका? अरे कुछ नहीं, उन्होंने अपना राजीव शुक्ला नाम बताया और गुमराह करके वो नंबर उसका एटीएम की डिजिट का नंबर पूछ लिया जी। वो एटीएम बंद हो गया है जी, और उसके बाद जब वो स्टेट बैंक में मिल रहे ना, जब आई तो वहाँ से मालूम पड़ा पैसा निकल गया। कितना रुपया था निकाल लिया गया? करीब 50,000 रुपये। तो ये मतलब उसके बाद में आपने क्या कोई कार्रवाई की इसमें? हाँ, आपने स्टेट बैंक में अपना वो ब्लॉक करा दिया और यहाँ पर ब्लॉक करा दिया, खाता होल्ड करा दिया और यहाँ पे एसएसपी साहब से मिले हैं। क्या एसोसिएशन दिया एसएसपी साहब ने? एसएसपी साहब ने ये बताया कि देखो उसको कोशिश कराते हैं। तो बैंक में क्या आपका लेन देन रोक दिया गया बैंक से? नहीं, अभी हमने रुकवा दिया है बैंक से लेन देन, होल्ड करा दिया है खाता। सर, डॉक्टर का 50,000 रुपये बैंक से निकाल लिए जालसाजों ने, क्या है? हाँ, एक श्री रतन प्रकाश मिश्रा जी हैं, वो अभी आए थे जस्ट, वो बता रहे हैं कि एक अज्ञात नंबर से कॉल आई जिसमें एटीएम नंबर पिन पूछा गया, तो इन्होंने भूलवश उसको बता दिया, तो इनके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले गए। तो ये मुकदमा साइबर सेल को दिया जा रहा है, इसमें मुकदमा लिखा कि आगे कार्रवाई करी जाएगी, नंबर की कोशिश की जाएगी कि वो कॉल कहाँ से आई, ताकि इनकी जो भी रकम निकाली उसकी बरामदगी कर सके और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा सके। सर, जनपद में लगभग एक महीने में एक दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं पैसा निकलना, क्या उनका कोई अंकुश पता नहीं? नहीं, ये तो लोगों की अज्ञानता है, बार बार मैसेज भी आते रहते हैं, हर बैंक से मैसेज आते रहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं कि आप अपना एटीएम और पिन किसी को न बताएं, इसके बावजूद भी लोग गलती करते हैं। और जब नंबरों को ट्रेस किया था तो मैक्सिमम नंबर झारखंड या यहाँ के निकल के आते हैं, उनकी आईडी भी फर्जी रहती है, तो थोड़ा सा इनको ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ाओ।